जय शंकर, जय लंकेश, जय शंकर। आग लगा दूं सागर में, मैं अपने तीरों से काल को भी है बाधा, मैंने लोहे की जंजीरों से मैं वो बना हूं जिसके नाम से ब्रह्मा विष्णु और महेश थर थर कांपते हैं। ऐ मेरे शूरवीर सरदारों, तख्त लंका के कदीमी जान निसारों, आज भाग्य से वह दिन आ गया जिससे वीर लोग बड़ी ही उत्कंठा से प्रतीक्षा किया करते हैं। शत्रु को बतला दो के भी किस प्रकार अपने प्राणों का बलिदान किया करते हैं। आज प्रकट कर दो कि तुम तक लंका के वफादार हो और इस युद्ध भूमि में तुम्हारी युद्ध शत्रु के सिर हो और तुम्हारी तलवार हो, तलवार हो। शाबाश, शाबाश। मेरे सौभाग्य का भी क्या ठिकाना है जिसका एक एक बहादुर यकताए जमाना है। अगर एक तीरंदाजी में ताक है तो दूसरा कुश्ती और शाहसवारी में अशीरे अफाक है। भला उन वनवासियों की हमसे मुकाबला करने की क्या ताकत है। वह एक साधारण चिड़िया है तो दूसरी ओर हमारी ताकत। बेशक तुम युद्ध विद्या में अद्वितीय अथवा लाजवाब हो। जब परमेश्वर की कृपा हमारे साथ शामिल है तो यह यकीन कामिल है कि तुम्हारी फतेह होगी और इस लड़ाई में रावण की विजय, लंकापति की विजय। आ गया ना ध्यान मेरे पास, मेघनाथ सुनाओ राज्य का क्या हाल है। पिताजी सब कुशल मंगल है। महाराज की जय हो। महाराज कश्किंदा से एक दूत आया है, वो अपना नाम अंगद बता रहा है, वो हाजिर हजूर होना चाहता है। तुम जाओ और उसे आदर सहित यहाँ लाओ। जी महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या किष्किंधा राज की ओर से तुम ही आए हो? कहो क्या संदेशा लाए हो? कोई हर्ज ना हो तो अपना नाम बता दो और अपना वास्थान भी बता दो। मैं वानरराज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ, अंगद मेरा नाम है और मेरे प्रभु श्री राम की ओर से आपके समक्ष एक मुख्य पैगाम है। मेरे मित्र बाली अजंदे अर्जमंद हो, कहिए आपके मिजाज तो आनंद है। जी आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत पश्चात आपकी शक्ल पहचानी है,
किंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि यह नीच कार्य करने की तुमने क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहें, आपके नीच अथवा पतित के कहन का मैं कब ही बुरा मानता हूँ और आपके इन कहनों को सहता हुआ आपको समझाना अपना कर्तव्य जानता हूँ। आपके और पिताजी के ना ही केवल गहरे संबंध थे बल्कि आप हमारे यहाँ बतौर में एक खास मेहमान के रूप में भी रह चुके हैं। इसी आगात प्रेम के कारण मुझे आपके प्रति इतनी हमदर्दी है। अस्तु, प्रथम ही हनुमान जी द्वारा आपके लिए भाभी यात्राओं की सूचना कर दी है। मेरे पास इतना समय नहीं कि तुम्हारी इस भाषणबाजी को सुनूं। कुछ अपना अभिप्राय भी बयान करते हो कि व्यर्थ बातों की खींचतान करते हो। मुझको भी मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इसीलिए आपके पास भेजा है। अतः आप इस प्रकार के रक्त भाव से वहां जाए और व्यर्थ में ईश्वर सृष्टि का लहू ना बहाए, अन्यथा इस लड़ाई से आपको संताप होगा और लाखों निरपराधों का दोष आपकी गर्दन पर होगा। मेरी भी आपसे यही ताकीद है कि आप अपनी इस अहंकार की खड़क को खूंटी पर टांगे और सीता माता को श्री रामचंद्र के पास भेजकर अपने अपराधों की क्षमा मांगे। यद्यपि वह आपसे सख्त नाराज है तद्यपि मन के सरल और से भाव के बड़े ही फरियाद है। विश्वास दिलाता हूँ यदि आप आइंदा के लिए अपना मन बुराइयों से साफ कर लेंगे तो वह आपका अपराध तुरंत ही माफ कर देंगे। इत्मीनान के लिए इस बात का जिम्मा मैं लेता हूँ। अरे आप हाथों कीजिए, उनकी ओर से क्षमा का वचन मैं देता हूँ। बस 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 लगाओ, जरा अपनी जुबान को थाम। क्यों बक बक लगाई है? क्या तुझको तेरी मौत याद खींच रही है? अरे नलायक, तेरे जैसे नलायकों का भी यदि चिंदों में शुमार है जो कि अपने पाप के घातकों से बदला लेना तो दूर, उल्टा उनकी ही खिदमतकार है। अरे बेशरम, तेरे तो सीवन पर भी धिक्कार है। तेरे जैसे कपूत के कारण यदि पाली पुत्रहीन ही मर जाता तो उसकी आत्मा इस प्रकार दुख ना पाती। मैं सत्य कहता हूं कि यदि तेरे जैसे पाजी मेरे खानदान में होता तो कब का दूसरे जहान में होता। शोक बाप आंखों के सामने बंद हो और बेटा खड़ा देखता रहे। तुम मरना लाए हो अभिमानी रावण, वास्तव में ये तेरा कुल नहीं बल्कि ईश्वर को ही ये कुल संसार में रखना मंजूर है। होली के काचक्कर ने तेरी बुद्धि पर बिल्कुल पर्दा डाल दिया और सोच विचार का अंश तेरे भीतर से निकाल दिया। नहीं शक्ति थी तुझमें तो मेरे पास आता, मैं तेरे पाप का बदला उसे शर लेके बताता। या पीछे से बात करना, अरे मुझे बदला दिलाने की। या पीछे से बात करना, अरे मुझे बदला दिलाने की। पहले कुछ तजबीज कर ले, अरे तू अपनी जान बचाने की। अकल की बात कर ओ बेहोश, ये तेरी ही मांगत है। भला मुझसे युद्ध करने की भला किसमें ताकत है? नौकर इतना तक ऊपर यह क्रोध फानी है, तेरे से अल्लाह हो मुझे ना कुछ बाकी निशानी है। परे हट दूर हो जा, मुफ्त में क्यों खान खाए हैं? तेरे जैसे बन तो अब तक मैंने पढ़ाए हैं। बनाए होंगे कभी शायद जब थे आप अपने आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर इस बुढ़ापे में। जवान करो और चाहिए ये क्या पक पक लगाई है? किसी पे अकल ना, क्या तुझको जरा अकल भी सिखाई है?
अक्ल होती तो क्या था, अरे अक्ल का ही तो रोना है, अक्ल होती तो क्या था, अरे अक्ल का ही तो रोना, बदौलत इस अक्ल के क्या खा किस रोका को होना है। अरे तुझको किसी ने बुद्धि भी सिखाई है, लगता है आज तक तुमने पशुओं में ही उम्र बिताई है। हाँ हाँ, अब ध्यान आया, बुद्धि कौन सिखाए, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए, बाप का साया तो सिर से जाता रहा और चाचा का क्या प्रयोजन, तुझसे अपनी चाकरी करता रहा और चाचा भी कौन सुग्रीव, भला जिसने अपने सुमात्र भाई का रख दिया, उसने तेरी शिक्षा का भला जिम्मा अपने सर कब लिया। खैर मैं तो बुद्ध बीजी सही, किंतु बुद्धि ठिकाने तो आपकी भी ना रही, जो किसी गंभीर तथा उपयुक्त उत्तर देने की जगह औरों के घर के बखेड़े कर रहे हैं और बिना बाती ये घड़े मुर्दे उखेड़ रहे हैं। मेरे पिता ने जैसा व्यवहार अपने भाई के साथ किया वैसा ही अंजाम भोग लिया, मेरे लिए दोनों का दर्जा एक समान है और चाचा की सेवकी करना अथवा गुलामी करना उसमें मेरा कौन सा अपमान है। औरों के घर के बखेड़े ए रावण ना छेड़ तू, औरों के घर के बखेड़े ए रावण ना छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी पहले अपनी नबेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अरे पहले अपनी नबेड़ तू। निसंदेह आपका भी वैसा ही अब दिखाई दे रहा है और काल आपके सर पर मंडरा रहा है, जो जो आप किस लंका पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण बरसेंगे, त्यों त्यों आप एक एक सांस के लिए तरसेंगे। अरे क्यों बुद्धि मारी गई है कुछ तो समझकर बात कीजिए, क्यों बुद्धि मारी गई है कुछ तो समझकर बात कीजिए, और अब भी अपनी इस हट को त्याग दीजिए। अफसोस सब अफसोस, ए खुद फरमोश, मैंने यूं ही सिर खपाया, किंतु तुम जैसे के समझ में तो कुछ भी ना आया, जो जो काल निकट आ रहा है त्यों तो तेरे सिर पर यह अंधेरा छा रहा है। जिनको तू बेपरवाह और अवारा गर्द बता रहा है और जिनके आगे बड़ी ही शेकी जता रहा है, जब उनसे जरा हाथ मिलाएगा तब तुझे उनकी शक्ति का हाल स्वयं ही मालूम हो जाएगा। निसंदेह तू भी सच्चा है क्योंकि तू अभी बच्चा है और यद विद्या में निदान कच्चा है। मैं रामचंद्र जी की सेना में सबसे निर्बल इंसान हूँ, परंतु तेरी समझ में अभी बिल्कुल नादान हूँ। अपनी शक्ति बताने के लिए एक छोटा सा चमत्कार दिखाता हूँ। हे लंकेश, यदि तुझे अपने शूरवीरों पर बहुत अभिमान है तो मैं तेरे समस्त योद्धाओं को यह चुनौती देता हूँ, मैं अपना यह पैर तुम्हारे इस दरबार में जमा देता हूँ, यदि तुम्हारे समस्त योद्धाओं में से कोई भी मेरा पैर उठा जाए तो अपने प्रभु श्री रामचंद्र की ओर से यह वचन देता हूँ कि वे कल ही तुम्हारी इस सीमा से दूर चले जाएंगे। जय श्री राम। मुझे ये सब स्वीकार है, बुलाओ फिर देरी करना बिल्कुल बर्बाद है, देखना कहीं पीछे से बचताओ और अपनी शर्त से ही मुकर जाओ, ये तुम्हारा विचार बिल्कुल ही गलत है, मर्दों का प्राण प्राण के साथ है। पुत्र मेघना तुम जाओ और अपनी अद्वितीय शक्ति का परिचय दिखाओ। जी पिताजी, अभी जाओ। जाएगा जो मुझे नजर मिलाएगा।
तो एक पत्ते में कई चक्कर खिला दूंगा, पांचों को आती उतनी चांदी को हिला दूंगा। निकम अब तुम्हारा बार है। जी महाराज, मैं अपनी वीरता के आपको जोहर दिखाता हूँ। नजर मेरे तरफ रखना, पैर यूं कर उठाता हूँ, अगर हुक्म हो तो इस पांव के अभी टुकड़े बनाता हूँ। खबरदार हो जा बुजदिल, मैं देर यार आता हूँ। इतनी ताकत दी है मेरे दोस्तों बाजू में, जमीन और आसमां तोल दू एक ही तराजू में। खिला दे भाई, खिला दे, अन्यथा टुकड़े हो जाएंगे। चूल्हे में पड़ ना उठा, जब मुकाबले में ऐसा पाव जमाएगा तब देखा जाएगा। भाई चंप करा जी श्री, जाओ और अपने जौहर दिखाओ। कदम लाने, कदम इस उठाने को, एक पाई की जगह इसको कहीं मुंह पाने को। मेरे जुबिश से जुबिश से मने को, समझ जाओ अब मैं आता हूँ तेरा पल मने को। जवानों की क्या मजाल इस तक बच्चों में, इस बच्चे से क्या सीख पाएंगे? कोई बहादुर, कोई बहादुर मैदान में आएगा तब देखा जाएगा। मुझे आश्चर्य है आज तुम्हारी शक्ति को क्या हुआ है, क्या इतने शोर भीड़ों में कोई ऐसा नहीं जो इस लड़के के पाँव को उठा सके? खड़ा है सामने अंगद ब्रह्म प्राण मिटा ले तू, रह गया कोई और होवे तो उसको भी बुला ले तू। अब भी है वक्त इस लड़का को तबाही से बचा ले तू, शर्म की जाहे अब भी अपने प्राण से ना पाले तू। ना फिर ये वक्त मिलेगा अगर इस वक्त चुकेगा, फलक आंसू बहाएगा और ये जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे नवाकोल कैची की तरह जुबान चला रहा है और इस बिचबात के लिए मयाम से निकला जा रहा है। मैं अभी तेरा अभी मार तोड़ूंगा। तू क्या, मैं तेरा अस्तित्व ही तोड़ूंगा। बस बस माफ कीजिए, इस तरह मामला साफ नहीं हो सकता और इस तरह आपका अपराध क्षमा नहीं हो सकता। यदि अपने किए पर पश्चाते हो तो प्रभु श्री राम की शरण में जाओ। अरे तो तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा और मुझे अपनी ये मनोज शकल ना दिखा और ये बेहुदा बकवास का उत्तर जीवा से नहीं बल्कि तलवार से दिया जाएगा। मैं देखूंगा कि तू युद्ध भूमि में कितनी देर पैर जमाएगा। अरे लंकेश, जब सरी सरासर हिमाकत है
जिन बाजों के सिर पे तू कूद रहा है उनमें केवल बातें बनाने की ही ताकत है। यदि तुमको अपनी तलवार का ही अभिमान है तो हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है। वास्तव में रामचंद्र हमारे से डरता है, इसीलिए बार बार दूध बेचकर संधि के लिए प्रार्थना करता है। किंतु यह कौन सी मौत की नाक है जो जल्दी से मुड़ जाए। रावण एक गिरा है जो उसकी बातों से उड़ जाए। अब तो उसे अच्छी तरह से हाथ दिखाऊंगा और लंका पर चढ़ाई करने का मजा चखाऊंगा। पिताजी यदि ऐसे अरे गहरे लंका में आ जाएंगे तो फिर हम किसी को काय को मुंह दिखाएंगे। माना कि अंगद का पांव पृथ्वी से ना उठ सका, किंतु मुझे तो पूरा बल लगाने का अवसर ही नहीं मिला। पांव जमाना तो एक कर्तव्य है, वो साधारण आदमी भी जानते हैं, किंतु हम इसमें कोई पीता थोड़ी मानते हैं। अब इन बातों को जाने दीजिए और अपनी सेना की तैयारी की चिंता कीजिए। सभा विसर्जित, अपना अपना जंगी सामान तैयार करो और दूसरी आज्ञा का इंतजार करो। पुत्र मेघनाथ कल युद्ध के लिए दम जाओगे। जय शंकर लोकपति रावण।